कई चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो कई पैरानॉर्मल। आज की ये घटना इसी सवाल पे अटकी है कि ये नॉर्मल था या पैरानॉर्मल। बेल मेज फेसिस नाम की ये घटना स्पेन के एक पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव बेल मेज डेला बोरा लेडा की है, जहां एक किसान फैमिली रहती थी जिसमें मारिया गोमेज परेरा अपने पति और अपने बेटे के साथ रहा करती थी, जिन्हें एक दिन अपने घर के फर्श पर कुछ विचित्र चेहरे की आकृतियां दिखाई दीं। ये घटना 1971 की है, जब एक दिन मारिया अपने किचन में खाना बना रही थी, तभी उनका ध्यान किचन के फर्श पर गया, जहां एक अजीब आकृति उन्हें दिखाई दी जो देखने में किसी इंसानी चेहरे जैसी थी। ये देखकर मारिया चौंक गई, क्योंकि फर्श पर तो कुछ गिरा ही नहीं था। तो फिर ये अजीब सी चीज क्या थी? इसके बाद मारिया ने फर्श को साफ किया, लेकिन वो निशान साफ नहीं हुआ, वो चेहरा अभी भी वहीं पे था। इसके बाद मारिया उसे नॉर्मल दाग समझकर अपने काम में लग गई, लेकिन इस बीच कई दिनों बाद ये दाग एक क्लियर चेहरे के रूप में बन गया, जिसे मारिया ने कई तरीकों से मिटाना चाहा, लेकिन वो नहीं मिटा। ये सब देखकर मारिया और उसकी फैमिली डर गई। इसके बाद मारिया के पति और उसके बेटे ने उस फर्श को तोड़कर कंक्रीट का एक नया फर्श बना दिया, ताकि इन सब चीजों से छुटकारा मिल सके। इस बीच कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद फर्श पर एक नया चेहरा बनने लगा, जो पहले से भी ज्यादा क्लियर दिख रहा था। इसके बाद फर्श पर बने इस चेहरे की खबर तेजी से हर जगह फैल गई, और जब ये खबर बेलमेज के मेयर के पास पहुंची, तो उन्होंने इसकी जांच का आदेश दे दिया और फर्श पर बने इन चेहरों को नष्ट करने के बजाय फर्श को काटकर जांच टीम ने उनके सैंपल ले लिए। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ पता नहीं चला कि इन चेहरों की आकृति कैसे बनी। इसके बाद फैमिली ने एक बार फिर से फर्श को तोड़ दिया और एक नया फर्श किया, लेकिन फिर से उस फर्श पे भी एक नया चेहरा बन गया। इस बीच फैमिली ने कई बार फर्श को तोड़कर एक नया फर्श बनाया, लेकिन कुछ दिनों ठीक रहने के बाद एक नया चेहरा बनता रहा, और इन चेहरों के साथ और भी चेहरे फर्श पर बनना स्टार्ट हो गए। इस बीच 1972 तक कई इलाकों से सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए आने लगे। वहाँ के लोगों का दावा था कि ये चेहरे किसी इंसानी हाथों से नहीं बने हैं। इसके बाद फैमिली की इस समस्या को दूर करने के लिए उस जगह की खुदाई की गई। खुदाई के बाद वहाँ कई इंसानी कंकाल मिले, जिनमें से कुछ की तो खोपड़ी ही गायब थी। और फिर जांच में पता चला कि इस जगह पर 700 साल पहले एक कब्रिस्तान था, और ये इंसानी कंकाल भी 700 साल पहले के थे। इस जगह को दोबारा से ठीक कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम सब कुछ ठीक रहने के बाद दोबारा से वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई चेहरे बन गए, जिनमें से ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के चेहरे थे, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन हर बार बदल रहे थे। इसके बाद मकान की उस जगह को सील बंद कर दिया गया, और वहाँ कई जांचकर्ताओं ने रिसर्च की। जांच के बाद ये पाया गया कि चेहरों की आकृति बनने में किसी तरह का कोई पदार्थ या रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद थोड़ा सा ही क्लियर हो गया कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हाथ है। और जब इस घटना के दूसरे पहलुओं को समझने के लिए जांच टीम ने इस जगह को लगभग 3 महीने के लिए एक प्लास्टिक शीट से ढक दिया और किचन की सभी खिड़कियां बंद कर दी, और वहां एक रिकॉर्डर लगाकर उस जगह को बंद कर दिया, और जब 3 महीने के बाद घर को खोला गया तो वहां पहले से भी ज़्यादा चेहरे बने मिले, और वहां जब रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग को सुना गया तो उसे सुनकर सबके होश उड़ गए, जो कुछ इस तरह थी। इसके बाद ये और भी क्लियर हो गया कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। इस बीच कई जांचकर्ताओं ने इसे थोटोग्राफिक हाइपोथेसिस माना,
जिसमें कोई भी इंसान अपने माइंड की क्षमता से किसी सरफेस पर कोई भी आकृति उतार सकता है। और इसके बाद ये निष्कर्षण निकाला गया कि मारिया ने ही सबसे पहले इन चेहरों को देखा था। तो क्या मारिया ने ही अपने माइंड की क्षमता से ये सब आकृतियां बनाई? कुछ जांचकर्ताओं ने तो ये भी कहा कि शायद मारिया की मौत के बाद ये आकृतियां बननी बंद हो जाएं। मारिया की फैमिली का कहना था कि उन्होंने लगभग 30 सालों तक इन सबको झेला है, लेकिन जब फरवरी 2004 में मारिया की मौत हुई और जब इसके बाद घर की जांच की गई तो पता चला कि ये चेहरे की आकृतियां अभी भी बन रही हैं। मारिया की मौत के बाद पेडो अमोरोस नाम के एक फेमस पैरा मनोवैज्ञानिक ने जब मारिया के घर की कुछ तस्वीरें ली और कुछ चीज़ों की खोज करने की कोशिश की तो स्पेनिश मीडिया ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और उन्हें गलत ठहराया। लेकिन इन सब के बाद भी इन अजीब और उदासी भरे चेहरों का रहस्य नहीं सुलझा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।